महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जहां एक ओर एकनाथ शिंदे पर सारा फोकस था, वहीं अचानक से उद्धव ठाकरे की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। दरअसल जब शिंदे अपने गांव चले गए और ये चर्चा चल रही थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं, यहां तक कि ये भी दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की वजह से महायुति में दरार आ सकती है, वहीं उद्धव ठाकरे ने बड़ा कमेंट किया। उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने कहा कि जिस व्यक्ति को राजभवन में होना चाहिए वो गाँव में है। उनका सीधा इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था। माना जा रहा था कि उन्होंने एकनाथ शिंदे पर चुटकी ली है। वहीं उद्धव ठाकरे ने जिस दिन ये कमेंट किया उसके अगले ही दिन एकनाथ शिंदे ने सतारा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने गृह नगर सतारा में वो अपने गांव में रुके हुए थे। उन्होंने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महायुति में कोई दरार नहीं है। साथ ही कहा कि सीएम पद के लिए वो रेस में नहीं है। सीएम पद को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर है। मजेदार बात ये है कि ये बात वो पहले भी कह चुके थे। ऐसे में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी, इस पे लेकर अटकलों का दौर जारी है। कुछ राजनीतिक जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं शायद उद्धव ठाकरे का कमेंट उन्हें अंदर तक चुभ गया, यही देखते हुए उन्होंने सतारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले ही दिन वापसी भी कर ली। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस दावे में कितना दम है, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर कयासबाजी का दौर जारी है। वहीं उद्धव ठाकरे का नाम इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि बीजेपी के ही नेता राव साहब दानवे ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ होते तो महायुति को जितनी बड़ी जीत मिली है उससे कहीं बड़ी जीत मिली होती। उद्धव ठाकरे के बारे में इस तरह का बयान राजनीतिक अटकलों के और ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल ने बड़ा दावा किया है। गुलाबराव पाटिल ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे समूह के 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं और हमारे पास आने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस दावे के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और भी ज्यादा गर्माहट पड़ गई है। हालांकि इन सारे दावों और इन सब बातों के बीच में सच्चाई क्या है ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स लगातार नई नई करवटें ले रही है। फिलहाल बीजेपी ने ये साफ जरूर कर दिया है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि इसमें भी पेच यह है कि अभी तक सीएम का नाम अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उससे माना यही जा रहा है कि सीएम का नाम अंदर ही अंदर फाइनल हो चुका है, बस उस नाम का ऐलान होना बाकी है। 3 दिसंबर को विधायक दल की बैठक भी होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 दिसंबर को ही नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब 3 दिसंबर को क्या होगा और 5 दिसंबर को बतौर सीएम कौन शपथ लेता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चाओं का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।